में चर्चा हो सकती है, जिनमें जमीन और मकान के किराए, साथ ही निर्माणधीन घर की मासिक इशू आने पर वस्तु और जीएसटी का भुगतान करना होगा। ये टैक्स रियायती और औद्योगिक क्षेत्रों की इमारतों पर लागू होगा। जमीन या भवन की बिक्री को जीएसटी के दायरे में नहीं लेना होगा। ऐसे लेन देन पर स्टाम्प ड्यूटी लगती रहेगी। सोमवार को संसद में पेश हुए जीएसटी के 4 सहायक विधेयकों में से ये प्रावधान है। दरअसल सरकार चाहती है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक लोकसभा में 30 मार्च तक पास हो जाए, इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाए। सरकार का इरादा जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का है। क्या आपने अपनी जमीन लीज पर दी है और या इमारत किराए पर दी हुई है? और यदि ऐसा है तो 1 जुलाई से इस पर मिलने वाली रकम पर अब गुड एंड सर्विसेज टैक्स चुकाने के लिए तैयार रहिए। यही नहीं, निर्माणधीन इमारत की ईएमआई पर भी जीएसटी लागू होगा। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रावधानों पर सहमति बन चुकी है। किन चीजों को किस टैक्स स्लैब में रखना है, इस पर बातचीत चल रही है। हालांकि जमीन और इमारत की बिक्री को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।